भारत माता की, भारत माता की, संत समाज की, संत समाज की, सनातन धर्म की, संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की, साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संतों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, इसलिए मेरे प्यारे हम सबका मान सम्मान करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर चीन बॉर्डर तक जो हमारा हक है हम आपको लेकर रखेंगे। हमारे संत समाज के ऊपर जैसे महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई, और वैसा ही दूसरा उदाहरण हमें राजस्थान के करौली में देखने को मिला, जहां पर एक पुजारी जी की जिंदा जला करके उनको मार दिया गया। ये किसी भी धर्म के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और कुछ विदेशी ताकतें इसके बीच में पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इस दोनों मामलों के ऊपर सीबीआई की जांच बैठाई जाए, और जो दोषी हैं उनको पकड़ करके कठोर से कठोर सजा दी जाए। अगर भारत सरकार ये काम सीबीआई को जांच नहीं कराती है, जब कोई भी सरकार इसमें नहीं करती है, तो मैं पूरे संत समाज और पूरे हिंदू समाज से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार हमें उठ करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्रहित में होगा और जो हमारे संत समाज के हित में होगा, ताकि हमारा समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म बचा रहे, और हमें इसके लिए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अंतम प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना, कि संत समाज इस समाज को, हमारे सनातन को उठाने का काम करते हैं और करते आए और करते रहेंगे। जो इन लोगों की, संत समाज की निर्मम हत्या की जा रही है, तो ये हमारा देश, हमारा समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहते भी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो वो नेता, वो खानदान, वो सरकार कभी इस देश में रहने लायक नहीं है, वो नेता वो सिंहासन के ऊपर बैठने लायक नहीं है जो संतों की हत्या करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं, जब कहीं उनका आदमी को कुछ होता है तो तुरंत वो कैमरे के फ्रंट में आके और नारेबाजी करते हैं, और तुरंत सरकार को या वहां के लोगों को घेरने का काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक संतों की पालघर में जैसे पीट पीट के हत्या कर गई, मैं ये कहता हूं कि इतनी दरिंदगी के साथ उनको मारा गया कि एक बयान नहीं कर सकते हम, अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं कह सकते हैं कि वो इतने जलालत करके, और पुलिस वालों से वो बचते रहे, और पुलिस वाले क्या करते रहे, उनको प्रोटेक्शन देते रहे मारने वालों को। हम हत्या जो राजस्थान में पुजारी की हत्या करना, कहने का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है इन लोगों का। क्यों? कि हमारा हिंदुस्तान एक आस्था का प्रतीक है। सरकार से निवेदन करता हूं कि इस निर्मम हत्या जो संतों पर हो रही है, इसका देखरेख करे और संज्ञान ले इसका, कि इस सरकार के रहते हुए अगर जैसे अराजकता फैलती जा रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगी।